तैयार हैं और बोल जाएगी बाउंड्री के बाहर चाचा दुआ थी बोल, और एक और छक्का चाचा फिरो मुरादनगर द्वारा दूसरी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद और इसी अगली बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद लारा और आउट। और एक और मुकाबले में आ चुके हैं जो कि टीम टीम का मुकाबला खेला जाता है, एक से एक बढ़कर खिलाड़ी यहां पर मौजूद। कितना स्कोर बनाया 12 में 200 रन का टारगेट के लिए तैयार है बबलू खैरपुर, राहुल खरा, चाचा फिरो मुरादनगर, सचिन चिलवा 200 रन बनाने के लिए तैयार है 12 ओवरों में। और भज्जी भाई इस बार बल्लेबाजी करेंगे। सुनो 200 रन में 150 तैने दे रखे माइकल, 150 दिए मैंने, 49 रन दिए मैं मारू बताओ 49 रन। और इस मुकाबले में अब तैयार हैं विकास राय फ्रॉम नोएडा, बल्लेबाजी के लिए 201 रन का विशाल लक्ष्य धरा हुआ है और अपने भाई भी मुकाबले को देखते हुए। और अब तैयार हैं खिलाड़ी, 15,000 रुपए का महामुकाबला चलता हुआ, 201 रन का विशाल लक्ष्य धरा है 12 ओवर में, राजनगर एक्सटेंशन में मुकाबला चलता हुआ, एक से एक बड़ा खिलाड़ी मिलेगा इसमें भी सिंगल विकेट का देखने के लिए आपको। और बबलू खैरपुर तैयार है बल्लेबाज के लिए, तुम्हारा नाम क्या भाई? बल्लू भाई भी तैयार है, गुल्लू जो भी है माफ कीजिए, और तैयार है बल्लेबाज के लिए। और नन्हे मुन्ने दर्शक मुकाबले को देखते हुए आयुष फिरोम सिकरोड गाजियाबाद, कीपरिंग करेंगे युगल, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर छक्का लगाते हुए। और अब गुल्लू भाई तैयार है 200 रन का 201 का लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं बबलू खैरपुर और गोलू करेंगे बॉलिंग। 15,000 रुपए का महामुकाबला चलता हुआ है, पहली बॉल करेंगे तैयार हैं, काफी अच्छी बॉल और हो जाएगी बॉल डॉट। दूसरी बॉल और ये बॉल हो जाए, एक रन ले लेंगे और अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे बबलू खैरपुर। मुकाबले से ही तय होगा कि बबलू खैरपुर टीम के प्लेयर हैं या नहीं, आगे वाले होने वाले महामुकाबले में खेलते हुए नजर आएंगे या नहीं। तीसरी बॉल का सामना करेंगे बबलू खैरपुर और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, 6 रन, पहली बॉल पर पहला छक्का बबलू खैरपुर द्वारा। दूसरी बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद और इसी के साथ आउट हो जाएंगे बबलू खैरपुर और विकेट गिरता हुआ आउट हो जाएंगे बबलू खैरपुर मात्र एक छक्का लगाकर। और वापसी करते हुए बॉलर, शानदार गेंदबाजी बॉलर द्वारा। और अपना बदला पूरा करते हुए गोलू फ्रॉम गाजियाबाद को भी चीता ही कह देते हैं और बबलू खैरपुर दूसरी बॉल पर आउट हो जाएंगे। और अब बल्लेबाजी पर आ चुके हैं मुरादनगर की आनवान शान चाचा, बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार, पहली बार वीडियो में आएंगे चाचा मुरादनगर जो कि काफी बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और पांचवी बॉल के लिए तैयार हैं गोलू, काफी अच्छी बॉल और आगे बढ़ के खेल दिया, एक रन ले लेंगे आसानी से दोनों बल्लेबाज। अंतिम बॉल पहले ओवर की और बॉल को खेल दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, क्या रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, बॉल जाएगी लुढ़कती लुढ़कती हुई, 4 रन बाउंड्री के बाहर। ये मुकाबला चलता हुआ एस रॉकेटर्स के वर्सेज भज्जी 11 के बीच, भज्जी 11 बल्लेबाजी करती 201 रन का विशाल लक्ष्य को पीछा करने उतरी, एक बल्लेबाज आउट हो चुका है, 12 रन एक ओवर की समाप्ति के बाद एक विकेट। और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, चाचा द्वारा पहला छक्का, काफी लंबा और काफी ऊंचा छक्का और ये बॉल हो जाएगी डॉट। फिर तीसरी बॉल के लिए तैयार है बल्लेबाज और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, क्या रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन, रुक जा एक रन और ले लेंगे आसानी से। और तैयार है फिर बल्लेबाज और ये बॉल हो जाएगी डॉट। सुमित काफी अच्छी बॉल करते हैं और अंतिम बॉल अपने ओवर की, बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, साहिल खान बॉल को नहीं रोक पाएंगे, बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और भज्जी 11 का स्कोर हो चुका है 2 ओवर में 27 रन एक विकेट के नुकसान पर, काफी बड़ा लक्ष्य विशाल लक्ष्य का पीछे करने के लिए उतरी है भज्जी 11। और बॉलिंग के लिए आ चुके सूरज फिरोम चिप्याना, बल्लेबाजी के लिए तैयार चाचा, पहली बॉल हो जाएगी वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार, एक और वाइड बॉल, वाइड के बाद और एम्पायर का इशारा, ये भी वाइड बॉल, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
अगली बॉल वाइड के बाद, और एम्पायर का इशारा बाउंस बॉल देते हुए काफी अच्छी गेंदबाजी सूरज फिरोम चिप्पियाना द्वारा। दूसरी बॉल इसी ओवर की, बढ़िया बॉल है, काफी अच्छी बॉल और भेड़ों में बॉल लग जाएगी। तीसरी बॉल बढ़िया यार, और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, चार रन, बढ़िया सूरज यार बॉल अच्छी है। चौकी के बाद फिर तैयार, और ये भी वाइड हो जाएगी बॉल, फिर वाइड के बाद तैयार है, काफी अच्छी बॉल, फील्डर हिला रहा और बॉल को रोक लेंगे आसानी से, एक रन ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। फिर तैयार, फुल टॉस बॉल और उस पे आउट हो जाएंगे लगता है। लारा ने शानदार कैच ले ली, सूरज फिरोम चिप्पियाने को भी चीता ही कह देते हैं। और बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं विकास राय, पहली बॉल और अंदर आती हुई बॉल थी, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, चार रन, काफी अच्छी गेंदबाजी सूरज फिरोम चिप्पियाना द्वारा। भज्जी इलेवन का स्कोर हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन, 3 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या जीत पाएगी इस मुकाबले को भज्जी इलेवन? प्रसूंत करेंगे बॉलिंग, चाचा भी तैयार, और काफी अच्छी बॉल कट लगाने के प्रयास में बॉल हो जाएगी डॉट। दूसरी बॉल के लिए तैयार हैं, और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, चाचा द्वारा ये दूसरा छक्का, काफी दूर गई है बॉल बाउंड्री के बाहर, 6 रन, चाचा फिर मुरादनगर को भी चीता ही कह देते हैं। तीसरी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, वन बाउंस बाउंड्री के पार, 4 रन, चाचा द्वारा शानदार चौका। थी बॉल और एक और छक्का, चाचा फिर मुरादनगर द्वारा, बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर, एक और छक्का, शानदार बल्लेबाजी करते हुए। ऐसे ही छक्कों की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। पांचवी बॉल, काफी अच्छी बॉल, यॉर्कर बॉल थी, फील्डर मौजूद, 1 रन और ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज आसानी से। और अब आ चुके हैं बल्लेबाज पर विकास राय, पहली बॉल पर चौके के बाद, और एम्पायर का इशारा देखेंगे क्या होगा। और वाइड के ऊपर विवाद होता हुआ यहाँ पर, काफी देर रोमांचक मुकाबला होता हुआ, वाइड के ऊपर विवाद चलता हुआ। क्या बताओ यार, अरे यार भैया से काटो यार, क्या बताओ, काफी लंबा विवाद चलता हुआ मुकाबले में, एक वाइड बॉल के ऊपर काफी लंबा विवाद। और अंतिम बॉल वाइड के बाद फिर तैयार, एम्पायरिंग पर बल्लू भाई, काफी बेहतरीन गेंदबाज और भज्जी भाई, अंतिम बॉल उड़ चुकी है बॉल हवा में, उसके नीचे फील्डर है लारा, और इसी के साथ आउट हो जाएंगे एक और बल्लेबाज, विकास राय भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कमाल शानदार गेंदबाजी, पिरसुल को भी चीता ही कह देते हैं, शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरा विकेट गिरता हुआ भज्जी इलेवन का। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 60 रन हो चुका है भज्जी इलेवन का स्कोर, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 60 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और तैयार, फिर चाचा तैयार, काफी अच्छी बॉल, फील्डर है मौजूद, और 1 रन फिर ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज, स्ट्राइक पर आ जाएंगे भज्जी भाई। और बल्लेबाज के लिए तैयार है भज्जी भाई, पहली बॉल का सामना करेंगे, और फुल टॉस, लो फुल टॉस थी, 1 रन आसानी से ले लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। रोहित शर्मा आ चुके हैं फील्डिंग पर, काफी गर्मा जोशी के कप्तान है ये। तीसरी बॉल के लिए तैयार है चाचा करते हुए बल्लेबाजी, ये हो जाएगी बॉल वाइड, वाइड के बाद चाचा फुल टॉस बॉल, और बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर, 6 रन, चाचा का एक और छक्का। अगली बॉल और बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ, फील्डर है मौजूद लारा, और आउट, और भज्जी हंटर्स का काफी ज्यादा निराशक प्रदर्शन रहा, और एक तरफा ये मुकाबले को हार गई भज्जी हंटर्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और भज्जी इलेवन एक तरफा ही मुकाबले को हार गई, बड़े बड़े खिलाड़ी रह गए, बबलू खैरपुर भी कुछ नहीं कर पाए कमाल, और विकास राय भी है यहाँ पर मौजूद। वो चाचा मुरादनगर भी थे, को भी लंडू राय कहता है भाई। करो करो भाई, यू करता अच्छा वाला सेम मेरा प्रथम त्यागी यानी शेर मुखार है भाई फेर। और भज्जी इलेवन काफी आसानी से मुकाबले को हार गई, कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं कर पाए सारे खिलाड़ी, ये मुकाबला पूरी तरह हार चुकी है भज्जी इलेवन।
बबलू को भी एम्पायरिंग पर काफी ज्यादा दबाव का काम हुआ था आज। एम्पायरिंग जरा सिमल के करें।